शिवसेना जिला इकाई सीधी की ओर से जंगल विभाग से पीड़ित आदिवासियों के साथ व रास्ते की समस्या से पीड़ित ग्रामवासियों के साथ जन आक्रोश आंदोलन किया गया। साथ ही जंगल विभाग व जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगल विभाग से प्रताड़ित जंगल में बसने वाले आदिवासी परिवार व ग्राम पंचायतों में निवास करने वाले पंचायतवासी जो रास्ते की समस्या से प्रताड़ित हैं, उन पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु जंगल विभाग व जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया, जहां आए दिन जंगल विभाग की ओर से गरीब आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहीं जल जंगल जमीन छीनी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में बैठकर आदिवासियों के नाम पर सिर्फ फर्जी राजनीति कर रही, गरीब आदिवासियों का आज आसियाना छीना जा रहा है। दिखावे के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कुछ चंद लोगों को पट्टा स्वीकृत किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी आदिवासी परिवार पट्टा विहीन है। शिवसेना के साथ आदिवासी लोगों ने पहले तो जंगल विभाग के सामने हंगामा किया और फिर कलेक्ट्रेट में हंगामा किया। उनकी मांग थी कि हमें रास्ता दिया जाए और पट्टे की जमीन भी दें। सरकार कई सालों से लोगों के पास जमीन तो थी पर उनका पट्टा नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती थी, जिसकी वजह से आज घेराव किया गया है।